एक्चुअली क्या होता था कि स्कूल में यू गेट फुल मार्क्स, अब कॉलेज में आते ही वो मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स 100 में से शिफ्ट हो जाते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स 60 आ रहे बच्चों के। फिर एंड में मैं एक एक मार्क्स के लिए परेशान होता था क्योंकि अपग्रेड मारनी थी, क्योंकि प्रोडक्शन में मेरा इतना मन नहीं था। सीनियर से भी ये बोलते थे, लोग से भी बोलते थे कि डेटा स्ट्रक्चर्स कर लो, कोडिंग आ जाएगी, हो जाएगा। बाद में पता चला आरसीसीएम डी इशू आई, एप्टीट्यूड आ गया, कोडिंग तो हो गई, एप्टीट्यूड कर नहीं पाए। माइक्रोसॉफ्ट आई, माइक्रोसॉफ्ट के जो तीन क्वेश्चन थे, दो इजी मीडियम और हार्ड क्वेश्चन थे, वो हो गए एंड फिर ओके इंटरव्यू वेंट स्मूथ। हाय एवरीवन, दिस अंकुश एंड वेलकम टू कोडिंग निंजास। सो आज की स्टोरी आई थिंक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड लाइक यू माइट नो दिस पर्सन ऑलरेडी। अगर तुम्हें थोड़ा टाइम पहले हमने एक वेबिनार किया था अबाउट फ्यू पीपल हु आर एट माइक्रोसॉफ्ट, राइट? ऐसा एक वेबिनार हमने किया था टू अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कल्चर कैसा है, प्रोसेस कैसा होता है, इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो वी हैड टॉक्ड टू नमन इन दैट वेबिनार एज वेल। सो नमन की स्टोरी मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है। नमन फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट इन सीएसई, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, वो भी किसी तरह से धक्का मार मार के हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंचे हैं। वो पूरी स्टोरी समझेंगे, राइट? लाइक स्टार्ट हमने कैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किया, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंचे और क्या प्लान था, कैसे सब कुछ हुआ और क्या डिसाइड किया, राइट? लाइक नाउ नमन ने रिसेंटली अपनी इंटर्नशिप खत्म करी है माइक्रोसॉफ्ट में, एंड लेट्स गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट नमन वेंट थ्रू। एंड मुझे लगता है काफी इंस्पायरिंग तो है, काफी मजेदार और फन भी होने वाली है ये स्टोरी। सो चलो सही है। सो हाय नमन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम कुश सर, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड यार, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया, थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। दिस वाज एक्चुअली फन, जैसे मेरे को आपने इंट्रोड्यूस किया। तो या सो करंटली आई जस्ट कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम गोना जॉइन माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट ईयर एट जून, अराउंड जून। ओके, सो पीपीओ एंड है मैं हमारे पीपीओ पास, राइट? है हमारे पास। इट वाज अ गुड ओके जर्नी ओके ओके, एक्चुअली, इंटर्नशिप पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बट वर्चुअली था, बट ठीक है। सही है सही एंड है। स्टार्टिंग फ्रॉम माई कॉलेज जर्नी, जो आपने बताई, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मेन्स ओके ओके गया था तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिली। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं पूछूंगा तुमसे बहुत सारी चीजें, है ना? मेरे को ठीक रुक जाओ, मेरे को सही डायरेक्शन में लेके जाने दो पहले तुम्हें। सो पहले तो तुम मुझे ये है। बताओ कि बिफोर यू टॉक अबाउट मेंस, बिफोर यू टॉक अबाउट एडवांस, राइट? लाइक जेई की बात बाद में करते हैं, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से हो वैसे? जयपुर, अच्छा, तुम राजस्थान। जयपुर से हो। ओके, सो जयपुर से हम बेसिकली पैक पहुंच गए, तो ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि जब हम तैयारी कर रहे थे ये सोच के नहीं कर रहे थे कि अरे पैक जाएंगे, पैक बढ़िया जगह है, राइट? लाइक जयपुर में रहते हुए तो नहीं सोच रहे तुम उस तरह के। सो ठीक है, एंड पैक में हम कौन सी ब्रांच में थे? पैक में आई स्टार्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो मेरा एडमिशन हुआ था वो प्रोडक्शन में था। एंड फिर तो प्रोडक्शन मतलब हम जयपुर में थे, जयपुर से हम पैक पहुंच गए, वो भी प्रोडक्शन के अंदर। मतलब लाइक ये बहुत अजीब सा नहीं है थोड़ा? मतलब लाइक क्या, मतलब जनरली लोग, मैंने सुना है कि लोग क्या करते हैं ना कि मैं मेरे को मेरे आसपास कॉलेज नहीं मिल रहा था, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि यार ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसलिए मैं दूर का कॉलेज ले लेता हूँ, बट ब्रांच मेरे को अच्छी ही चाहिए, मेरे को जो चाहिए वही चाहिए, राइट? लाइक एंड जब हमने मैंने तुमसे बात की है तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में तुम्हें कोई खास इंटरेस्ट था। सो क्या क्या है ये, क्यों ऐसा क्यों है, हम पैक में क्यों थे प्रोडक्शन में? एक्चुअली बहुत लोगों से मैंने बात की थी इसके लिए। तो कई मेरा एक फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड इज एक्चुअली इन पैक, वो मुझसे अब एक साल ओके सीनियर है। तो उसने मुझे ओके बताया था कि प्लेसमेंट काफी अच्छे हैं पैक के, तो आ जा। एंड फिर मैंने सब कुछ बैकग्राउंड चेक किया, एंड देन मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं ऐसे कॉलेज के अंदर जाऊंगा क्योंकि मुझे पता था ब्रांच तो अच्छी मिलनी नहीं है इतनी इस रेंज में, जो मेरी मेंस रैंक थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे कॉलेज में जाते हैं कि जहाँ पे मेरे को अपग्रेड का चांस मिल जाए, है ना। ओके तो फिर मैंने उनके बेसिस पे कॉलेजेस ढूंढे, कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं। फिर आई वेंट ऑन टू पैक कि अच्छा पैक इज अ कॉलेज, एंड मैंने ये देखा कि प्लेसमेंट काफी ठीक है और डिसेंट कंपनीज आती है। तो फिर ये मैंने सब डिसाइड किया कि चलो पैक चलते हैं। फिर हम पैक पहुंचे, प्रोडक्शन सो इंजीनियरिंग हमें, मिली, क्या ना। हाँ सो हम सोच के आए थे पैक में कि हम अपग्रेड करेंगे और ब्रांच चेंज करेंगे। हाँ यार ये जो एजम्पशन होती है ना कि मैं तो ब्रांच चेंज कर लूंगा, मतलब ये बहुत लोगों का दिल टूटता है, मतलब इवेंचुअली फर्स्ट ईयर के अंदर। आई एग्री, आई एग्री। तो कैसा था फिर हमारा, मतलब लाइक कब होता है ब्रांच चेंज का ऑप्शन, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या फर्स्ट ईयर के बाद? फर्स्ट सेम के बाद एंड आई वाज अ लॉट डीमोटिवेटेड इस बीच के अंदर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था कि स्कूल में यू गेट फुल मार्क्स,
जैसे 10 में से 9 आ गए, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मार्किंग होती थी ना, तो अब कॉलेज में आते ही वो मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स 100 में से शिफ्ट हो जाते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स 60 आ रहे बच्चों के, तो वो एक काफी बड़ा ट्रॉमा था। तो बीच बीच में ये सोचता था कि अपग्रेड होंगे या नहीं होंगे, बट उसके बाद पता चलता था कि पूरी ब्रांच में हाईएस्ट मेरे हैं। एंड वो थोड़ा अलग सा टाइम था बट अच्छा गया। फिर एंड में मैं एक एक मार्क्स के लिए परेशान होता था क्योंकि अपग्रेड मारनी थी, क्योंकि प्रोडक्शन में मेरा इतना मन नहीं था। एंड फिर कॉलेज के अंदर कोई पूछता भी नहीं था प्रोडक्शन को, मतलब ऐसी बात नहीं है पूछता नहीं था, बट यू नो व्हाट आई मेंट। तो आई वांट कि कुछ अच्छी सी नौकरी मिले, कॉलेज आए हैं तो इसलिए चालू किया, थोड़ा पढ़ लिया। फिजिक्स स्ट्रांग थी, फिजिक्स आई, फिजिक्स में फोड़ दिया। सही है। तो कितने जीपी आई हमारी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद? 9.75। बहुत ही बढ़िया। और फाइनली कितनी है अभी तक, कितनी है? अभी थोड़ी डिसेंट चल रही है, 8.4 समथिंग। 8.4। अच्छा, तो 9.75 से शुरू करके 8.4 पहुंच गए हम। मतलब पता था, बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ब्रांच चेंज करनी है। ग्रेड होने के बाद तो इट वाज ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बिल्कुल ही इतना मन नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाज लाइक कि ठीक है चलो, है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बट फिर तो ये 9.75 पे भी हमें सीएस नहीं मिला? एक्चुअली ऐसा होता है कि ब्रांच में से कुछ ही बच्चे ऊपर जाते हैं एंड सीट्स के ऊपर होता है। तो एक दो सीट्स थी सीएसई में, बट मैं आधे नंबर से पीछे रह गया मैथ्स के अंदर। आई हैड टू हैव, मेरे को सिर्फ आधा नंबर और चाहिए था तो मैं सीएसई जाता ड्यू टू माय मेंस रैंक, बट ठीक है चाहे। नहीं, आधा नंबर इन योर फर्स्ट सेमेस्टर और चाहिए था तुम्हें? हाँ तो मेरी जगह कोई और चला गया एक्चुअली। अच्छा, हाँ तो उसकी जीपीए तुमसे थोड़ी सी बेटर थी, उसकी जीपीए 10 थी, तो उसकी जीपीए एक्चुअली क्या होता है, टेन सेम सी जीपीए भी नहीं, वी रिक्वायर बेटर मेंस रैंक। तो अगर मेरा हाफ नंबर और आता तो आई वुड हैव 10 सीजीपीए एंड फिर मैं सीएससी चल जाता, बट ठीक है थी। चलता है ओके इतना। ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है, नॉट बैड राइट। लाइक इवेंचुअली सीएससी नहीं भी गए, माइक्रोसॉफ्ट तो चले ही गए। आई एम श्योर लाइक बहुत मोस्टली सीएससी वाले भी वही चाहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट चले जाए। ओके, एंड ये मेंस की रैंक 25,000 के आसपास थी, तुमने मुझे बताया था पहले। तो 25,000, वॉज दिस अ गुड रैंक? लाइक तुम यही उम्मीद कर रहे थे या तुम थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे? ओके I was a lot disappointed. 2 साल मेहनत करके हाँ, बट हाँ मेंस के बाद when I went into college, और अब actually मैं पहले 3 साल I was not in a good state because आप कॉलेज में हो, आपके अच्छी नौकरी नहीं है, बट आफ्टर दैट मैं ये मेंस वाले फेस को छोड़ता नहीं, बिकॉज देर आर बेटर थिंग्स जो आती है लाइफ में आगे। तो अब इट्स ओके, मतलब जो मेरा फेस था कि यहाँ अच्छी रैंक नहीं आई वो अब नलीफाई हो चुका है। चलो, आई एम ग्लैड। जल्दी कर देना चाहिए, जनरली फर्स्ट ईयर के अंदर उसको छोड़ देना चाहिए, बट ठीक है, चलो, बेटर लेट देन नेवर, राइट? एंड एडवांस में रैंक क्या आती है हमारी? एडवांस में 13 13 के 30,000। आसपास। ओके, तो काफी इंप्रूव हो गई थी भाई। तो मेंस में खराब क्यों आई हमारी रैंक? देयर वाज अ इंसिडेंट व्हेन आई वाज इन दिल्ली एंड क्योंकि मैं लेट नाइट ट्रेवल कर रहा था, मेरा सेंटर एक्चुअली दिल्ली था, तो कैब जो बॉर्डर्स के ऊपर जब पुलिस वगैरह पकड़ती है तो कैब वाले के अंदर कुछ झड़प हो गई थी, तो दैट्स व्हाई मैं उधर रुक गया। एंड फिर मेरा पूरा नाइट इट वेंट आउट ऐसे ही, तो मैं पूरी रात को जग रखा था एंड फिर मेंस में गया था। आई वाज लाइक स्लीपी। तुम एग्जाम से पहले पिछले दिन रात को ट्रेवल कर रहे थे? क्या दिल्ली ठीक है, रात में ट्रेवल कर करो बट ठीक है, रहा है? इट अच्छा, वाज गुड एडवेंचर फॉर मी, बट ठीक है पेपर खराब हुआ, अब कुछ नहीं कर सकते उसका, बट एडवांस थोड़ा ठीक गया था। चलो बट ठीक है ठीक है। हाँ मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग मेंस बहुत अच्छा जाएगा। नहीं यार, रात को तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए दोस्त, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले आना, मतलब लाइक चलो, आई एम श्योर अब तक तो अकल आ गई होगी। राय मेरे को अब बोलने की जरूरत नहीं है। चल सही है सही है। सो हम पैक पहुंच गए, हमने पहले सेमेस्टर में फोड़ा, बट इनफ नहीं फोड़ पाए और हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच गए कंप्यूटर साइंस की जगह। ठीक है, सो देन हाउ वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक? तो फिर अभी माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से पहुंच गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं मजा आ रहा था, कैसा रहा? एक्चुअली सेकेंड सेमेस्टर से जब स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर चालू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर जब वीएलएसआई आती है ना, वीएलएसआई और एनालॉग सर्किट जब आते हैं, तो मतलब पीएन जंक्शंस एनपी जंक्शंस, तो इट वाज अ डिजास्टर फॉर मी। क्योंकि एक तो आप पहले सेमेस्टर में नॉर्मल 11th की फिजिक्स पढ़ के आए हो, मैथ्स पढ़ के आए हो, फिर आपको एकदम से सेमीकंडक्टर्स दे दिए और अब वीएलएसआई पढ़ रहे हो, तो वो काफी ज्यादा हिट किया था मुझे।
बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको लेआउट डिजाइन बनाने पड़ते थे, पीसीबी डिजाइन बनाने पड़ते थे, एंड उसके बाद जब कम्युनिकेशन थ्योरी आई, एडवांस कम्युनिकेशन थ्योरी, तो और डिग्रेड होते चला गया। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड में, क्योंकि सब बच्चे एक्चुअली कोडिंग कर रहे थे एंड कुछ रूममेट्स से जिन्होंने कोर्सेज ले रखे थे, फिर मैं जाके कभी बैठ जाता था। मेरे को एक्चुअली ना, मेरा फर्स्ट एनकाउंटर कैसे हुआ था, मेरा फ्रेंड पढ़ रहा था एक्चुअली कोर्स, आपको देख रहा था एंड यू वर राइटिंग समथिंग, वो एक्चुअली मेरे को अच्छा लगा। एंड कुछ लोग थे जीएफजी ये सब है ना, तो मेरे को इतना फैसिनेटिंग सा नहीं लगा। फिर जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने कोर्स लिया। एक मिनट रुको, तुम पहले, अभी हम ये इसकी बात करेंगे, मुझे पहले बताओ, तुम बोलना चाह रहे हो कि तुमने 2 साल कुछ कोडिंग नहीं करी, बिल्कुल नहीं, तो तुमने फर्स्ट ईयर में एक सेमेस्टर में फोड़ने के बाद किया क्या भाई? 3 सेमेस्टर मतलब कॉलेज में क्या कर रहे थे तुम? इतनी कितनी ऐश कर रहे थे? ठीक है। मतलब आपको पता है, इट वॉज चंडीगढ़ एंड बहुत ही बढ़िया जगह है। हाँ मतलब बाहर घूम लेते थे। अच्छा, मतलब कॉलेज लाइफ वॉज वेरी फन, वेरी गुड। मतलब कसौली वसौली गए हो तुम बहुत बार। हाँ ठीक है। एंड है ना, म्यूजिक क्लब में था एक्चुअली मैं, ओके तो ओके म्यूजिक क्लब में आई एम अ ड्रमर, तो ओके म्यूजिक क्लब से टाइम पास हो गया, तो ये सब चीजें मैंने एक्सप्लोर करी। फिर कॉलेज में आते हैं तो आपको मूवीज का एक्सपोजर मिलता है, मूवीज खूब देखी हैं, तो ये सब चलता रहा। बट जब फिर उसके बाद ये जब चीजें एंड हुई, फिर सेकंड ईयर के बाद ये सब चीजें जब एंड हुई, फिर पता लग रहा था थर्ड ईयर पास में आ रहा है, फिर उसके बाद ये जो सेकंड फेज चालू हुआ लाइफ का, फिर उसके बाद मैंने चेंज किया है सब। तो ये बेसिकली हमने कोविड के स्टार्टिंग के बाद हमने कुछ किया, राइट? सो एक चीज यहां पर मैं, आई जस्ट वॉन्ट टेल एवरीबडी, राइट? लाइक जस्ट रियलाइज वॉट ही सेइंग, इसने मार्च में कुछ करना शुरू किया है एंड अगस्त में, उससे पहले कोडिंग नहीं किया है, मार्च में ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू कोड एंड अगस्त में ही गॉट एन इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट, राइट? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 मंथ्स एंड बेसिकली ही हैड एन इंटर्नशिप। सो 5 महीने लग के किया होगा, आई एम श्योर बहुत मेहनत की होगी, बट लाइक उस दौरान जो पूरी मेहनत है उससे माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न लग गई, जिससे ही फाइनली इवेंचुअली पीपीओ लग गया। बहुत ही सही सही है। सो हमने बेसिकली मार्च के अंदर वी एनरोल्ड फॉर द प्रोग्राम, कोडिनेटर्स का प्रोग्राम, एंड पता क्यों लगा, क्योंकि कोई दोस्त कर रहा था, उसको देख के पता लगा। सही है। फिर हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी कैसी थी? हमने क्या क्या किया, कैसे किया? एक्चुअली सबसे बड़ा हिट मेरे को ना प्रोग्रामिंग जर्नी में जब था, जब मैं जेपी का टेस्ट था एक्चुअली 17 जनवरी को उसी साल, एंड उधर हाँ उधर लकी उधर ना एक क्वेश्चन आया था वेक्टर का, एंड मैं टेरिफाइड, आई वाज अ लॉट टेरिफाइड कि भाई वेक्टर क्या है, क्योंकि कोडिंग तो कभी की ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने जब एक्सप्लोर करना चालू किया, फिर मैंने कोर्स किया था। 15 मार्च को नोटिस आया था गवर्नमेंट का कि भाई घर आ जाओ, कोविड चालू हो गया, घर पे बैठ। घर पे आया मैंने, चालू किया कोडिंग। 1 महीने का टारगेट लिया था मैंने कि 1 महीने में आई डू द कोर्स कम्प्लीटली, कोर्स का जितना भी बचा हुआ है वो हम कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने अपने टारगेट सेट किए कि कितना पढ़ना है, सुबह उठ के कॉन्टेस्ट देने हैं, रात को उठ के रात को कॉन्टेस्ट देना है। मैंने अपना टाइम टेबल चेंज किया, काफी पढ़ा मैं, काफी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि लीनियंटली चला, काफी पढ़ा। टाइम टेबल चेंज करना पड़ा एक्चुअली मुझे, क्योंकि अच्छा मेरा टाइम टेबल ये था कि मैं दिन में नहीं पढ़ता था, मैं सोता था दिन में, एंड रात को जब शांति होती थी तो मैं पढ़ता था जैसे स्ट्रेच पढ़ाई हो जाए। तो ये मेरा टाइम टेबल था और ये मैंने फॉलो करा, मतलब मैं 3-4 घंटे सोता था रोज के, कभी कभी 2-3 घंटे, अरे बाप रे। तो ऐसे चलता था। एंड 3-4 घंटे अगर मिल जाती थी तो खुश था। तो हम ऐसा क्यों करते थे? मतलब हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ अचीव करना था या हमें मजा आ रहा एक्चुअली दोनों, था? एक्चुअली दोनों अचीव, तो ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब चाहिए थी, घर वालों को कुछ करना था, दिस इज द थिंग। बट द मेन प्रॉब्लम वाज कि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड फिर शोर शराबा बहुत होता था, तो मैंने सोचा था कि यार ऐसे तो पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, तो रात में कर लो, रात में बिल्कुल शांति होती थी। तो मैंने ये सोचा था कि व्हाट आई थॉट वाज कि हम 3 से 7-8 सो जाते हैं, मैं दिन के 3 या 4 बजे सो जाता था, 7-8 बजे उठ जाता था, अगर 8 बजे कोई कॉन्टेस्ट होता तो कॉन्टेस्ट ले लेता, नहीं तो स्ट्रेच पे पड़े। फिर उसके बाद लीड कोड का सुबह 8 बजे कॉन्टेस्ट होता था, वो देता था, अच्छा तो ये स्ट्रेच होता था कि एक बार सुबह 5 बजे तक जग जाओ, ठीक है 5 बजे, फिर 5 बजे सुबह की चाय पी के आगे कंटिन्यू करते, तो ऐसे दिन स्मूथली चलता था। एंड एक्चुअली ना रात में स्ट्रेच पे पढ़ाई हो जाती थी मेरी, तो बिना डिस्ट्रैक्शन के स्ट्रेच पे पढ़ाई हो सही जाती थी, है। तो फिर मजा आने लग जाता था। एंड एक्चुअली स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं होते थे, बट धीरे धीरे जब होने लगे तो फिर अच्छा लगने लगा। एंड फिर मेरा मेरे एक्चुअली ना
मेरा पूरा फोकस एक टारगेट बेस पे रहता था कि जैसे राइट मैंने ये सोचा था कि 400 क्वेश्चन लीट कोड पे करने हैं, 500 क्वेश्चन लीट कोड पे करने, उसके बाद स्टार्ट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो मैंने पहले वो अचीव किया एंड इस बेसिस पे मैं आगे चलता रहा एंड ये स्मूथली होता रहा। फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी, एक्सप्लोर किया, तो चलता रहा। सही है बहुत ही बढ़िया। ये ना मेरे को बहुत ही मजा आता है जो ये फेज होता है ना हर किसी की लाइफ में, एक जब वो बहुत सारी मेहनत करता है, मुझे बहुत मजा आता है उसके बारे में बात करके। लाइक पर्सनली फॉर मी इट वाज जेई टाइम, आईआईटी जेई के टाइम में मैंने बहुत मेहनत की है, बट एंड लाइक वैसा वाला राइट, लाइक मतलब एकदम फिनिकी होके कि यार 11 बजे सोना है, 5 बजे उठना है, मतलब ये करना है तो यही करना है ना, मतलब 5 बजे उठना है, उसके बाद इतनी देर पढ़ाई करनी है, फिर ये करना है। लाइक बहुत ही अमेजिंग पीरियड होता है देन, लाइक अंदर से ना अपने आप ही रैंडम पता नहीं कहाँ से इतनी मोटिवेशन आती है दैट यू आर एबल टू सॉर्ट ऑफ स्टिक टू दैट शेड्यूल एंड सही चलता है। चलो बहुत ही सही है। सो हम कोर्स कर रहे हैं एंड हमने कोर्स कंप्लीट करने के बाद लीटकोड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगाई हैं एंड फिर हमने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। सही है। और कौन से कोर्स किए हमने कोरिंग इंजर्स में? मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कोर्स भी किया। अच्छा ओके, ओके ये ओके जब मेरी सही शायद इंटर्नशिप लग गई थी, उसके बाद मैंने चालू किया था। ओके ओके तो फिर अब ये इंटर्नशिप भी सारी की सारी ऑनलाइन हुई होंगी, एक्सपीरियंस पूरा ऑनलाइन होगा है ना इंटरव्यूज का। तो माइक्रोसॉफ्ट कौन से दिन आई थी, कौन सी कंपनी थी? माइक्रोसॉफ्ट आई थी 10th अगस्त को, आई गेस फोर्थ या फिफ्थ कंपनी थी। ओके उसके पहले पहले तीन तीन चार चार स्किप कंपनियों भी में मैं कैसा गया था। हुआ? पहली आरसीजीएम थी, तो उसके अंदर पता चला एप्टीट्यूड है। मेरा एप्टीट्यूड बिल्कुल पता ही नहीं था। एक्चुअली द इश्यू विद मी वाज कि सीनियर्स ने बताया नहीं था। सीनियर से भी ये बोलते थे, लोग से भी बोलते थे कि डेटा स्ट्रक्चर्स कर लो, कोडिंग आ जाएगी, हो जाएगा। बाद में पता चला आरसीजीएम डी इश्यू आई, एप्टीट्यूड आ गया। ओके एप्टीट्यूड में कर नहीं पाए, एप्टीट्यूड कैसे, अब कोडिंग तो हो गई, एप्टीट्यूड कर नहीं पाए। 20 क्वेश्चन और वो 20 हार्ड कि हुए ओके नहीं, तो प्रॉब्लम एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ हो गई। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स आई थी। गोल्डमैन सैक्स के अंदर मैंने कुछ कोड के अंदर इश्यू कर दिया था। एक्चुअली मेरे को बीएफएस करना था, बट मैं डीएफएस कराया था। वो मेरे को बाद में ओके रियलाइज हुआ जब मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया कि हाँ मैंने क्या गलती करी। फिर मेरे को समझ आया, अच्छा आई डिड दैट, इसलिए मेरा वो गोल्डमैन सैक्स अच्छा नहीं हुआ। एंड देन फिर माइक्रोसॉफ्ट आई। माइक्रोसॉफ्ट के जो 3 क्वेश्चन थे, 2 इजी मीडियम और हार्ड क्वेश्चन थे, वो हो गए। एंड फिर ओके इंटरव्यू वेंट स्मूथ। सही है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। फिर हमारा ये थर्ड ईयर में हमने कुछ मेहनत करते रहे, या जैसे पहले डिपार्टमेंट चेंज करना था तो बहुत सारी मेहनत करी, फिर अब इंटर्न चाहिए तो बहुत सारी मेहनत कर ली, फिर उसके बाद अब मेहनत करी या फिर चिल मारा दोबारा हाँ मतलब थोड़ा टाइम तो ऑब्वियसली चिल मारा, क्योंकि एक्चुअली वो फेज तो मैं बहुत थक चुका था पढ़ पढ़ के, तो से? थोड़ा चिल मारा। बट अभी बीच बीच के अंदर मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव करता गया, पुश करता गया, ओके कॉम्पिटिटिव ठीक हो गई है। अब आई एम एक्सपर्ट एट कोड फोर्सेस, तो ओके धीरे धीरे देख रहे हैं नेक्स्ट टारगेट। अभी थोड़ा चिल फेज चल रहा है, बट आफ्टर गोइंग टू कॉलेज अभी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टारगेट कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्सेस, देखते हैं कब पहुंच। अभी तुम फाइनल ईयर में कॉलेज जाओगे, कहाँ पढ़ोगे, तुम ऐश मारोगे, तुम्हें लग रहा होगा यार बहुत सारा टाइम कोविड खा गया, अब तो कॉलेज में आए हैं थोड़ा टाइम चलवा देते, मुझे पता है तुम्हारा। ये है आई तो कैन टोटली इमेजिन दैट 2 साल तो लाइक इट्स स्किप्ड। यार यार यार, मुझे लगता है तुम सबको ना एमटेक कर लेनी, मतलब मैं एमटेक नहीं, मतलब एक मास्टर्स डिग्री कर ही लेनी चाहिए जिंदगी के, वो जो 4 साल कॉलेज के होते हैं वो मिलने चाहिए यूजी सबको। तो मिस हो गई, यूजी 50% तो कोविड खा गया। वही तो बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। चलो इस बहाने तुमने काम भी कर लिया, मुझे लगता है कॉलेज में रहते तो तुम अपना म्यूजिक क्लब और साथ में मतलब चंडीगढ़ है ना कब कर नहीं पाते तुम शायद, चलो कोविड के चक्कर में काम तो हो गया कम से कम अच्छे से। सही है बहुत ही बढ़िया। तो माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्न कैसी थी, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस इन दैट? माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्न स्टार्टिंग में तो काफी ऐसा समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज के अंदर, क्योंकि फॉर मी इट वाज लाइक कि मेरे को एक्चुअली चीजों का एक्सपोजर नहीं था रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, बिकॉज मेरे को तो सिर्फ कोडिंग आती थी और अच्छा थोड़ा रूब्स, थोड़ा ओएस, थोड़ा डीबीएम, मैं सीखता ज्यादा नहीं आता था। तो स्टार्टिंग में इट वाज लाइक कि ठीक है देख लेते हैं। बट स्टार्टिंग में मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि टीम्स कंफर्म नहीं हो रही थी हमारी। तो बाद में जब टीम्स कंफर्म हुई थी, तो मेरे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली मुझे है ना डेटा स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड ही मिल गए थे, क्यूज के रिलेटेड, क्यू कंप्रेशन के ओके ऊपर मिल गया था। एंड कंप्रेशन पे मैंने ऑलरेडी पहले हफमैन कोडिंग के थ्रू बना रखा था प्रोजेक्ट श्योर एप्लीकेशन। तो
तो फिर मेरे को क्यू कंप्रेशन पे मिल गया था, तो आई वॉज बिट कंफर्टेबल एंड टीम काफी सपोर्टिव थी, हेल्पफुल थी, रिसोर्सेस काफी ज्यादा थे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रिसोर्सेज बहुत अच्छे देता है. यू हैव देयर एमएस लाइब्रेरी, आपके पास वीडियोस होते हैं, प्लूरल साइट के कोर्सेज होते हैं, तो आपको कुछ भी एक्सप्लोर करना, नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर स्टफ, जैसे आपको कुछ भी एक्सप्लोर करना, ब्लॉक चेन्स राइट या राइट आपको श्योर कुछ भी पैटर्न्स, डिजाइन पैटर्न्स, तो इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी कि मैंने काफी सही चीजें है, सीखी उससे. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. नाइस नाइस. एंड पीपीओ के लिए कुछ इंटरव्यूज होते हैं या सिर्फ इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस पे होता है? पीपीओ के लिए इंटरव्यूज थे. ओके 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 पीपीओ के लिए एक्चुअली ऐसा था कि एक तो आपका प्रोजेक्ट वर्क जो आपने किया है, एक तो उसकी प्रेजेंटेशन जो आपको अपनी पार्टनर टीम्स को देनी होती है, राइट एक तो ये था. उसके बेसिस पे आपको रिव्यूज मिलते थे कि आपने व्हाट व्हाट्स योर बेंचमार्क, है ना, आपका क्या आउटपुट था. तो मेरा आउटपुट वाज आई सेव्ड अ लॉट ऑफ कॉग्स फॉर द कंपनी, अराउंड 3 to 5 million समथिंग इन यूएसडी. तो मेरा ये काफी अच्छा पार्ट था फॉर क्यू कंप्रेशन. एंड सेकेंडली उसके बाद हमारे इंटरव्यू शेड्यूल थे. फर्स्ट वॉज टेक्निकल इंटरव्यू, एंड टेक्निकल इंटरव्यू के बाद हमारे एक ए इंटरव्यू होता है जो टिपिकली मैनेजेरियल राउंड होता है, जिसके अंदर ओके प्रिंसिपल मैनेजर आपका इंटरव्यू लेता है, जिसके अंदर इधर दे चेक योर बिहेवियर और श्योर समटाइम्स कोडिंग भी होता है, कुछ कुछ बच्चों के लिए कोडिंग, और मेरे लिए तो इट वॉज टोटली अच्छा. ओके 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 सही है बहुत ही बढ़िया. एंड आई एम अज्यूमिंग अब तो कॉलेज में प्लेसमेंट में बैठना नहीं है, तो अब तो चिल है, अब तो चिल है एकदम, बहुत ही बढ़िया है ना. कॉलेज तो इट्स ऑल चिल. बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग. सो बहुत ही सही है यार. अभी क्या प्लान है, क्या करना है हमें आगे? माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, किस लाइक एमएस करनी है या कंप्यूटर? MSMBA तो ये मेरा है प्लान, बट आफ्टर थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए तो ओके ये देखूंगा मैं. मतलब एक्चुअली आई हैड टू टॉक टू पीपल की व्हाट्स बेटर चॉइस, या आप भी बता देना कि क्या अच्छा है. बट फॉर नाउ इट्स लाइक कि मेरा भी करंट टारगेट है कि मैं 3 4 महीने आफ्टर अभी कॉलेज के मिड सेम्स के बाद आई एम ट्राइंग टू एक्सेल माई कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर गूगल, बिकॉज गूगल इज वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी. तो फिर ओके मैं देख रहा हूँ कि अगर गूगल मिल जाए या अगर कुछ और अच्छी कंपनी मिल जाए, ट्राई माई बेस्ट. जैसे कोऑर्डिनेशन श्योर हो गई, ये सब अच्छी अच्छी कंपनीज हो गई, तो आई ट्राई फॉर श्योर इट. दिस दिस ओके टारगेट या ओके फॉर द साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट, अमेजिंग. सही है यार, बहुत ही बढ़िया. बहुत मजा आया मुझे तुमसे बात करके, है ना. काफी आई थिंक फनी ओवरऑल, द होल डिस्कशन वाज वेरी फनी. आई एटलीस्ट आई फाउंड इट फनी. बट सही है, सही है. आई थिंक लाइक तुम, जो मुझे समझ में आ रहा है, राइट, बर्स्ट में बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ मेहनत करके यू आर एबल टू गेट द बेस्ट आउटपुट, फिर बहुत सारा चिल भी मारते हो, विच आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल. चिल मारना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, मतलब बहुत स्ट्रेस हो जाता है. सो सही है, थैंक यू सो मच. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आएगा इसमें और बहुत इंस्पायरिंग भी होगा लोगों के लिए. सो वन लेसन फ्रॉम माई साइड, प्लीज एग्जाम से एक दिन पहले ट्रैवल मत करो. सेकेंड लेसन, प्लीज ढंग से टाइम लगा के मेहनत कर लो. हर कोई इस लेवल पे मेहनत नहीं कर सकता है कि 4 महीने लग के घुस के मेहनत कर ली. बट द रियलिटी इज कि अगर 4 5 महीने भी लग के दोगे तब भी इनफ अच्छी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल सकती है, राइट. सो इट्स नेवर टू लेट, प्लीज ढंग से मेहनत करो. जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है, बट इट्स नेवर टू लेट एज वेल. सो कर लो बस अच्छे से, राइट. थैंक यू नमन, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.